यहाँ पे एक ही वाटरफॉल में सात वाटरफॉल हैं। आप बोलिए, आप बोलिए, लाइक करो, फॉलो करो, लाइक करो। एक्चुअली हम यहाँ पे ऐसे लगभग 1.5 साल पहले आए, ये रास्ते में जाते हुए हमारी फेवरेट लोकेशन आती है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की जर्नी की हमारी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से थोड़ा सा हो चुके लेट, जेम्स के पास जाना, उसको पिक करते हैं, फिर करते हैं आपसे आराम से बात। अभी थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो चलो भाई निकलते हैं। एक बाइक को हमने पूरा लोड कर लिया, वो बाइक आगे जा रही है, बाकी बाइक हम खाली रखेंगे, देखेंगे बाकियों पर क्या एडजस्टमेंट करनी है। फिलहाल जितना भी लगेज है उस बाइक पर लोड कर लिया भाई। सो भाई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, दिस इज योर डी हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनेशन। सो आज का प्लान कुछ ऐसा कि आज हम जा रहे हैं सरथल। सो अभी हम सुबह का मतलब 5 बजे से ही घर से निकल गए थे, तो अब धूल मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए टी शर्ट के ऊपर ये शर्ट डाल लिया मैंने, ताकि थोड़ा सा कवर अप रहेगा। अगर गंदी भी होगी तो शर्ट गंदी होगी, बाकी तो हम सेफ रहें एटलीस्ट। और एक बाइक हमारे आगे जा चुकी है, एक यहाँ पर लोडेड खड़ी है, आपने देख ही ली होगी। भैया क्या हाल है? तो भाई ये हमारी बाइक कुछ इस तरह से लोडेड है, ठीक है, पैनियर्स भाई ने लगा के रखे हैं। बेसिकली पैनियर्स तो नहीं है, ये फ्रेम ही है उनका, तो एंकल्स हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से लोडेड है। एक बाइक जो हमारी आगे गई है वो बाइक ऑलमोस्ट खाली है, वो लोडेड नहीं है, वो बस एक जेम्स ला रहा है और उसका फ्रेंड पीछे बैठा है, वो बाइक पूरी खाली है और ये बाइक लोडेड है। बेसिकली प्लान ये था कि एक बाइक हम पूरे से लोड कर लेंगे, जो भी सामान होगा एक पे लोड कर लेंगे और एक पे मजे से राइड करते जाएंगे। सो ठीक है, आपकी शॉर्ट्स एंजॉय, हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि थोड़ा सा हो चुके हैं लेट। सो भाई अभी रुके थे एक लोकेशन में, एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लिया। आप पीछे व्यू चेक करो यार, A1 व्यू वो लगी है बाइक पीछे, और ये पीछे व्यू चेक करो आप, लिटरली A1 व्यू है। मतलब बड़े दिनों के बाद ऐसी लोकेशन पे आके मज़ा आ रहा है। सो बाकी चलेंगे आगे, हम भी यहाँ से निकलते हैं, कोशिश यही करेंगे कि अब स्टॉप लेंगे बनी चल के, अगर बनी टाइम से पहुँच गए तो सीधा सरथल चले जाएंगे। सरथल आ जाना है या बनी रुकना है? लाइक करो, फॉलो करो। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? नो लाइक नो फॉलो। तो ठीक है भाई, ओनली सब्सक्राइब। तो ठीक है भाई, निकलते हैं यहाँ से, जल्दी मिलते हैं आपको आगे चल के। भाई बनी से लगभग 5 किलोमीटर पहले ये रास्ता ऐसा टेरेन शुरू हो जाएगा, ये रास्ता यहाँ से बहुत ज्यादा खराब है। ऑलमोस्ट सारे रास्ते बने हुए हैं, बस यही 5-10 किलोमीटर का टेरेन है जो खराब होगा। तो चलते हैं भाई धीरे धीरे, मिलते हैं आपको आगे चल के। और ये रोड की हालत आप देखिए, कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, तो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक खराब है आगे। तो भाई फिलहाल पहुंचे बनी, अभी जो आपने शॉट देखा ये बाइक का थोड़ा सा काम करवाते, चेन ल्यूब करवानी थी, चेन ल्यूब करवाई है, अब देखते हैं काम काज हो गया, थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं लाइट सा। पीछे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, हालत आप देख ही रहे हो, मिट्टी मिट्टी हो गया सब कुछ। चलो ये शर्ट अच्छा गया, मैं ऊपर डाल के आ गया था राइडिंग के लिए। सो अब चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो ठीक है भाई, फिलहाल हम बनी से निकल रहे हैं और यहाँ पे सीन फिलहाल कुछ ऐसा है कि आगे चल के हमारा स्टे का जुगाड़ तो हो गया है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि आगे सरथल चल के रुकेंगे या आगे जाएंगे, वो खैर वहाँ पहुँच के डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीजन लेते हैं। तो भाई अब यहाँ से होगा असली ऑफ रोड स्टार्ट, क्योंकि इसके आगे जो भी रोड है वो मैक्सिमम हमें ऐसा टूटा हुआ मिलने वाला है। जब लास्ट टाइम आए थे तब तो खैर बुरी हालत थी, अब इस बार पता नहीं कैसा रोड होगा, आगे चल के देखते हैं। सो ठीक है चलो भाई। हाँ तो ऑलमोस्ट कोई मतलब लगा लो कि शुरू हो ही गया, अब खराब रास्ता शुरू ही है बस। सो ये पानी की आवाज़ आ रही है पीछे, दिस इज़ द रियल रिलीफ। ये रास्ते में जाते हुए हमारी फेवरेट लोकेशन आती है, जब भी हम आते हैं इस लोकेशन पे ज़रूर रुकते हैं।
सो आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो, क्योंकि लेंस पे मुझे छोटा सा ग्लेयर दिख रहा है। खैर कोई नहीं, एडजस्ट करो। सो अब यहाँ पे रुके, एक शॉर्ट ब्रेक लिए, थोड़ी देर मुँह हाथ धोते हैं क्योंकि बहुत हालत ख़राब हुई है, फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा। ऑडियो पता नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप बोलिए लाइक करो, फॉलो करो, लाइक करो। तो ठीक है भाई, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, लोकेशन पे पहुँचते हैं, क्योंकि फिलहाल हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो चलो भाई निकलते हैं, बाइक से हमारी ये रही। और भाई बोरी मित्र उठा के कहाँ जा रहे हो? चले चलो। With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. So भाई इस ब्यूटीफुल लोकेशन पे रुके थे थोड़े टाइम के लिए, यहाँ पे शूट किया बहुत अच्छा, जो कि आपको देखने को मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम पे। सो हमारे साथ हमारे पुराने शख्स आए हैं, उनसे मैंने बात नहीं करवाई थी क्योंकि सुबह से सही ढंग से ब्लॉग करने का टाइम नहीं लगा। भैया कैसा लग रहा है 1.5 साल के बाद? अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद विशाल भी घर में नहीं था, अभी घर में आया, तो हमने सोचा फाइनली, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमने कहा जाना था, कौन सी जगह, कैलाश कुंड जगह, लास्ट टाइम सरथल में स्टे कर लिया, लेकिन जा नहीं पाए थे। और हमने कहा था कि भाई नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम लगेगा यहाँ आएंगे तो वहाँ तो हम जरूर जाएंगे। सो ठीक है भाई, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो हम निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको आगे चल के। सो भाई दिस इज द लोकेशन, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि यही वो 7 वाटरफॉल है या कोई और लोकेशन है। यहाँ पे एक ही वाटरफॉल में 7 वाटरफॉल हैं, आई होप कि आपको दिख रहे हो। जूम लेंस मैंने नहीं लगाया, कोशिश करूँगा कि जूम लेंस लगा के आपको एक बार दिखा दूँ। और ये लोकेशन और व्यू आप यहाँ का चेक करो, व्यू लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है यार, क्रेजी। और ये रहा जेम्स और ये रही हमारी बाइक, बाकी के दो आगे चले गए, हम ये चीज़ देखने के लिए रुक गए थे यहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ चेक करो आप व्यू, लिटरली A1 व्यू है। तो ठीक है भाई, एक छोटी सी ब्रेक ली थी ये व्यू आपको दिखाने के लिए, निकलते हैं यहाँ से, कि मेरे को हेडेक लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है और मैं कोई भी मोटा कपड़ा नहीं लेके आया। मैंने सोचा कि इस महीने में कहाँ ही ठंड होगी इतनी, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी, एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है, हद से ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और अब मेरा सिर फट रहा है सिर दर्द से, जल्दी से पहुँचूँ, कुछ दवाई शवाई लेता नहीं तो मुश्किल आज। सो भाई दिस इज़ द अनदर लोकेशन, इसको हम सुसाइड पॉइंट कहते थे, हम क्या सब कहते हैं, इसका नाम ही सुसाइड पॉइंट है, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब टॉप नॉच, यो कह सकते हो आप, माउंटेन पीक है। और यहाँ से अगर डेप्थ दिखाऊंगा ना, रुको मैं आगे जाके डेप्थ दिखाता हूँ आपको। तो भाई मेरी तो कैप शैप निकल गई, जैकेट मैंने जेम्स की डाल ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है लिटरली, और मेरा सिर फट रहा है, इतनी ज़्यादा हेडेक हो रही है ना, हद से ज़्यादा। तो वो पीछे से मजाक कर रहे हैं कुछ, तो हेडेक हो रही है बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, वहाँ चल के मेडिसिन खाएंगे, 1.5 घंटे का रास्ता है, चलते हैं फिर निकलते हैं धीरे धीरे। This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. तो भाई आपका सीन कुछ ऐसा है कि खाना शाना खा के हम फ्री हो गए हैं, अब जा रहे हैं छोटा मोटा एक शूट करने। ये जो हमारे फौजी साहब आए हैं, इनको थोड़ा हीरो बनाए आज, क्यों फौजी साहब? हीरो ही हीरो है। तो चलते हैं लोकेशन पे, फिर मिलते हैं आपसे। सो भाई दिस इज अवर शूट लोकेशन, आवाज़ आप सुन सकते हो बहुत ज़्यादा आवाज़ है, इसलिए मैं ना थोड़ा माइक के पास आके बोल रहा हूँ। और इस लोकेशन पे फिलहाल शूट करेंगे, और यहाँ का जो कंटेंट है ये आपको देखने को मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम पे, आईडी यहाँ पे मेंशन हो रही है, जाओ फॉलो करो वहाँ पे, और फॉलो बढ़ा दो यार मेरे भी। तो जो शूट वगैरह शगैरह करना करते हैं यहाँ पे, आई होप कि आवाज़ आपको क्लियर आ रही हो, बाकी आप पीजी लोकेशन को भी जाए शूट करते हैं यहाँ से। हेडे का कराना थोड़ा मेडिसिन खाई है, थैंक्स टू हिम डॉक, थैंक यू हमारे फैमिली डॉक्टर है, साथ ही ले आते हैं, कहीं पर भी कुछ भी जरूर हो सकती है मेडिकल एमरजेंसी, तो हम फर्स्ट एड
ब्याह क्या है, कह रहा पैसे भी नहीं देते। तो ठीक है करते हैं शूट, फिर मिलते हैं आपसे। सो भाई दैट्स इट फॉर द डे। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा सही रहा, एडवेंचरस रहा हमारे लिए, क्योंकि जो चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग होना वो अक्सर एडवेंचरस ही होती हैं। सो हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसा माहौल यहाँ पे आके देखने को मिलेगा। हम तो नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से आए थे कि भाई अगर वहाँ पे इतनी गर्मी है तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की फुल्की ठंड होगी, लेकिन भाई यहाँ पे तो एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्ड हुई पड़ी है। सो दैट्स इट फॉर द डे, अब निकलते हैं यहाँ से। लोकेशन से शूट कर लिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा, होपफुली एक वीक या दो वीक का कंटेंट तो कलेक्ट हो ही गया होगा यहाँ तक, मुझे लगता है। और सबका भाई सबकी आईडीज मेंशन करूँगा, अकेले की नहीं करूँगा, हैं हाँ जी, तो सबकी आईडीज मेंशन करूँगा। तो जाना, विजिट करना, चेक करना, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो भाई फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे। और रास्ता देखो आप, तो भाई वो लगी हैं बाइक्स, अब बाइक्स पे बैठते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। स्टीप है बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाता फिर आपको दिखाता हूँ कितना स्टीप है यहाँ से। लुक एट दिस, ये है भाई, ये मैं हूँ और ये नीचे लोकेशन देखो, वहाँ से हम आ रहे हैं चलते हुए। सो लेट्स गो, चलते हैं। और वो है हमारा होम स्टे, वहाँ पे हम रुके हैं, वो जो ग्रीन सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, दिस वन, यहाँ पे हम रुके हैं। हाउ वाज योर डे? लगी ठंड। क्यों जेम्स, हाउ वाज योर डे? मस्त, बढ़िया। आपका क्यों फोटो नहीं खींचे? तो चलो लेट्स गो। गर्मी में सर्दी का मजा तो लो कम से कम, इतनी दूर से ककड़ू।